हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल लंच रेसिपी, वो है बीटरूट पुलाव। तो चलिए दोस्तों, इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिया है राइस। पहले मैंने 2 ग्लास राइस लिया था, उसको मैंने कुक करके रखी हूँ पहले से ही। और हमें चाहिए इसका मेन इन्ग्रीडियंट्स है बीटरूट। मैंने बीटरूट 2 बड़े बीटरूट लिया है और ग्रेट करके मैं रखी हूँ। और हमें चाहिए 2 बड़े प्याज, उसको मैंने छोटे छोटे पीस में चॉप करके रखी हूँ। और हमें चाहिए अदरक और लहसुन 1 चम्मच। और हमें चाहिए सारे अक्के गरम मसाला जो है, तेज़पत्ता और देखिए वो सौंफ वगैरह है, लवंग वगैरह मैंने लिया है। और हमें चाहिए एक कढ़ाई, हम रख दिया है गैस पर। ऑयल डाल देंगे, ऑयल गर्म होते ही आप ऑयल या घी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल गर्म होने पर हम इस अक्के गर्म मसालों को डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हमें अदरक और लहसुन जो है वो भी ऐड करेंगे। ये करीबन 1 बड़े चम्मच रहेगा, मतलब अदरक और लहसुन, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। और अच्छे से इसे मिक्स कीजिएगा ताकि इसका रोस्ट मिल जाए। एक जो एक रेसिपी है, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, एक जो मेरे स्टाइल का एक पुलाव है, ये बहुत ही टेस्टी बना है, सबको बहुत ही अच्छा लगा है, इसके लिए मैं आप सबके लिए शेयर कर रही हूँ। ज़रूर आप सब ये बना कर देखिएगा। और देखिए, प्याज को भी मैं ऐड कर रही हूँ, 2 बड़े प्याज मैंने लिया था, उसको भी छोटे छोटे पीस में काट कर उससे भी डाल देंगे। और 1 चम्मच नमक डालिएगा ताकि हमारा जो प्याज है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, उसको टिफिन में भी आप दे सकते हैं, या स्कूल से आते हैं न तो लंच टाइम या डिनर टाइम में भी आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक रेसिपी है, बहुत हेल्दी भी है, बीटरूट है ये। बीटरूट से क्या होता है, बहुत ही खून बढ़ने में वगैरह बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए भी। तो आप जो वेजिटेबल नहीं खाते बच्चे को, इस तरह से आप बना कर दे दीजिएगा। तो बीटरूट डालने से क्या होता है, हमारा राइस जो है एकदम लाल रंग का दिखेगा, रेडिश कलर का दिखेगा। तो अलग अलग कलर का आप बना कर दे सकते हैं, नेचुरल जो कलर आते हैं वेजिटेबल्स का। आप कैरेट का भी इसी तरह बना सकते हैं, कैबेज का भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बीटरूट का ही बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर डाल दिया है पहले ही, मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है पहले से, और हल्दी पाउडर 1 चम्मच और कश्मीरी चिल्ली पाउडर 1 बड़े चम्मच। आप चाहे तो इस पर ऐड कर सकते हैं टिक्का मसाला, आपको तिक्का चाहिए तो लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा डालिएगा, हरी मिर्च भी चाहिए तो आप डाल सकते हैं। मैंने नहीं यूज़ किया है क्योंकि बच्चे को भी देना है इसके लिए। तो अभी मैं इस पर ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, और गरम मसाला भी 1 बड़े चम्मच ऐड कीजिएगा ताकि वो टेस्ट बढ़े। इसके लिए हम गरम मसाला को ऐड करते हैं और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम ग्रेटेड किया हुआ जो बीटरूट है वो भी इस पर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे, और 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे ताकि वो बीटरूट जो है अच्छे से पकना है। इसके लिए हम इसे इसी तरह मिक्स करके एकदम लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर रख देना है ताकि वो मसाला सब अच्छे से मिक्स हो जाए और वो पक जाए। उसके बाद हम इस पर राइस को ऐड करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चे को तो बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरह का ट्रेडिशनल का जो राइस है। देखिए, ये पक चुका है, अभी हम इस पर राइस भी ऐड करेंगे। देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक भी डाल देना है। तो हमने राइस में पहले से नमक डाला है, तो आप मसाले को कितना नमक चाहिए वो आप यूज़ कीजिएगा स्वाद अनुसार। थोड़ा नमक कम था इसके लिए मैं अभी डाल रही हूँ, और अच्छे से मिला देंगे इसे। और हम इस पर ऐड करेंगे राइस को भी ऐड करेंगे। आप कौन से राइस, आपको जो आप घर पर यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कीजिएगा। आपको जो बासमती है तो बासमती राइस में भी बना सकते हैं। तो देखिए, अच्छे से इसे मिला देंगे। आप चाहे तो लेमन जूस भी लास्ट में थोड़ा सा डाल सकते हैं आपको चाहिए तो, मैंने नहीं यूज़ किया, आप ऑप्शनल है। और देखिए, अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और हमारा राइस रेडी हो चुका है, अभी हम इसे सर्व करेंगे। देखिए, बहुत बढ़िया बीटरूट पुलाव हम रेडी हो चुका है।